यदि आप भी रिकवरी एजेंसी बनाना चाहते हैं और रिकवरी एजेंट बनकर काम करना चाहते हैं, तो आपको एक RBI का नया नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप रिकवरी एजेंट बन रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो भी आपको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। गाइज, मैं आज आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन पढ़ने के सुनाने वाला हूँ जो RBI का भी कुछ दिनों पहले ही आया था, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिकवरी एजेंट जब आप बन जाते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी आ जाती हैं जो आपको करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उन और एक बंदिश जो होती है वो भी लग जाती है आपके ऊपर, अगर आप उनके सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार का और कानूनी कार्रवाई का भी आपके ऊपर हो सकती है, उसका भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपको एक दायरे में रिकवरी करनी चाहिए और आपको एक अच्छी तरीके से रिकवरी करनी चाहिए। जो ये RBI का जो नया नोटिफिकेशन आया, मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ गाइज, ठीक है। ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, इनके मैं आपको लिंक भी भेज दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, उससे हमारी वीडियो का जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगा, ठीक है। मजबूरी में कई बार लोगों को लोन लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वे किस्त नहीं चुका पाते, ठीक है, लोन ले लेते हैं लेकिन बहुत सारी समस्या हो जाती हैं जिसके वजह से वे किस्त नहीं चुका पाते। इससे बैंक को लोन रिकवरी एजेंट उन्हें वसूली को लेकर जो उस अमाउंट को लेकर उन्हें परेशान करने लगते हैं, भाई रिकवरी एजेंट उन्हें परेशान करने लग जाते हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि उन्हें पैसा निकलवाना होता है बैंक का, ठीक है। कई बार तो वे गाली गलोच और हाथापाई पर उतर जाते हैं, जो कि गलत है। देखो गाइज, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, अगर आप भी कर रहे हो तो ये चीज़ कभी मत करना अगर आप रिकवरी एजेंट की फील्ड में हो, ठीक। लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, रिजर्व बैंक ने उन पर नकेल कसने के लिए नियम को सख्त बना दिया। RBI ने साफ कहा है कि उनकी रेगुलेटरी दायरे में आने वाली सभी एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कलेक्शन एजेंट कर्जदार को परेशान ना करें। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने हाल ही में कहा कि लोन एजेंट लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो कतई स्वीकार नहीं है। RBI ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक नोटिफिकेशन में कहा है कि वह रिकवरी एजेंट की करतूतों से चिंतित है। रेगुलेटर एंटिटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उनके एजेंट कर्ज की वसूली करते समय किसी तरह से ना धमकाएं और ना डराएं, ठीक है, ऐसी हरकतें वह ना करें। किसी भी कर्जदार के साथ गाली गलौज या हाथापाई नहीं होनी चाहिए। केंद्र बैंक ने साथ ही कहा है कि बैंक, नॉन बैंक और दूसरी रेगुलेटेड एंटिटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी रिकवरी एजेंट को कर्जदार के दोस्तों या परिजन के साथ सार्वजनिक रूप से कोई बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, जो रिकवरी एजेंट होते हैं ना, वो आप लोन बोरोवर को तो परेशान करते करते हैं, उसके जो गारंटर हैं उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसके फैमिली मेम्बर जो हैं उसे बहुत परेशान करते हैं, उसके जो यार दोस्त हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप रिकवरी एजेंट बन रहे हो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो या बिज़नेस भी कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है। उनके जो भी मेंबर हैं, चाहे फैमिली मेंबर हैं चाहे फ्रेंड्स हैं, उनसे उस लोन का जिक्र नहीं करना और उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी है गाइस, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी होगी, ठीक है। और ना ही उनकी प्राइवेसी में दखल देना चाहिए। कर्जदार के को मोबाइल या सोशल मीडिया के ज़रिए डराना धमकाने वाले मैसेज नहीं भेजने चाहिए और ना ही इस तरह के कॉल करने चाहिए। क्योंकि आजकल देखो, सब रिकवरी एजेंट ख़राब नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग उन्हें टाइम भी दिलवाए थे, लेकिन वो ये ना पांच उंगली एक समान नहीं होती। केंद्रीय बैंक का कहना है कि रिकवरी एजेंट को बार बार कर्जदार को फ़ोन नहीं करना चाहिए। लोन की रिकवरी के बारे में कर्जदार को सुबह 8 बजे से और शाम 7 बजे के बाद फ़ोन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, ये बात लिख लो गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, अगर आप इस चीज़ का उल्लंघन करते हो। अगर सुबह 8 बजे से पहले आप रिकवरी लोन बैंक की रिकवरी के लिए फ़ोन करते हो, ठीक है, अगर सुबह 8 बजे से पहले और 7 बजे के बाद फ़ोन करते हो, तो अगर बोरोवर थोड़ा समझदार है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक। RBI ने का कहना है कि अगर किसी भी रेगुलेटर एंटिटी ने इसका उल्लंघन किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जून में एक सम्मेलन में कहा था कि कर्जदार को लोन रिकवरी एजेंट किसी भी समय फ़ोन कर देते हैं
और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, यह कतई स्वीकार नहीं है। सेंट्रल बैंक इसे गंभीरता से ले रहा है और कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगा। ठीक है, इस बारे में पहले से ही आरबीआई की गाइडलाइन मौजूद है, क्योंकि ये जो लोन की जगह जो रिकवरी होती है इसके लिए पहले ही गाइडलाइन आरबीआई ने कुछ जारी कर रखी हैं। इसके मुताबिक लोन रिकवरी के लिए बाहुबल का इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना उत्पीड़न के दायरे में आएगा। अगर आप रिकवरी एजेंट हो और आप किसी भी बोरोवर को अपने बाहुबल के अनुसार उसे डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो गाइज़ वो उत्पीड़न के दायरे में आएगा। और ऐसी कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो बिना देरी किए आप इसकी शिकायत रिजर्व बैंक के पास कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही कर्जदार के पास लोन रिकवरी एजेंट के अभद्र व्यवहार से निमटने के लिए कानून का रास्ता भी है। देखो, रिकवरी के लिए आरबीआई ने डायरेक्ट लिख रखा है कि अगर साथ में अगर रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या आपसे बदसुलखी कर रहा है और बदतमीजी से बात कर रहा है, तो आप उसके अभद्र व्यवहार से निमटने के लिए आप कानून का रास्ता भी अपना सकते हो। तो गाइज़, ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप रिकवरी एजेंट की लाइन में जा रहे हो। ठीक है ना, तो ये एक नया नोटिफिकेशन था, पढ़ लेना आप। ठीक है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइज़, अगर आप रिकवरी एजेंट बन रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता और आप उसका उल्लंघन कर देते हो जाने अनजाने में, जिसकी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, क्योंकि यार शेर को सवा शेर मिलने में समय नहीं लगता। ठीक है, तो रिकवरी एजेंट अगर बनना चाहते हो बनो, लेकिन अपने कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन्हें अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, गलत तरीके से बात मत करो किसी से, और इसमें देखो पैसा ही पैसा है, काम बहुत बढ़िया है, लेकिन तरीके से करो। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और कुछ भी आपको सवाल है, कुछ भी आपका सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या आपको मेरी व्हाट्सअप का नंबर आपको हमारी टीम का मिल जाएगा, उस पर भी आप बात करके आप अपना क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज़।